नमस्कार, स्वागत है। लगातार बारिश से जलमग्न हुई महाकाल नगरी लांजी क्षेत्र में 27 अगस्त की रात्रि से लगातार बारिश तथा 28 अगस्त को भी दिन भर वर्षा होने से आमजन जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है तथा नगर एवं ग्रामों के निचले हिस्से में पानी भर जाने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई घरों में पानी भरने से लोगों के अनाज कपड़े पूरी तरह से खराब हो चुके हैं तथा खाने के लाले पड़ चुके हैं। वहीं शासन व्यवस्था करती दिखाई दे रही है और कहीं पर लोगों ने स्वयं घर छोड़ अपनी व्यवस्था बनाई तथा लांजी क्षेत्र के चारों ओर नदी नाले तालाब है वह सभी खतरों के निशान से ऊपर बह रहे हैं, जिससे आवागमन बाधित हो चुके हैं तथा छोटे पुल पुलिया डूब चुके हैं। आस्था का प्रतीक कोटेश्वर धाम, जो कि काशी नाले के समीप है तथा काशी नाला भी आकर्षक के केंद्र है तथा लगातार बारिश होने के कारण यहाँ जल भराव की स्थिति बन जाती है तथा काशी नाला भारी बारिश के चलते उफान पर है तथा काशी नाले में लांजी के चारों ओर स्थित पहाड़ी का पानी भारी वर्षा के चलते नीचे आकर नाले में पहुंचकर जल स्तर को बढ़ाता है तथा इसमें बाढ़ एवं आकाल की स्थिति निर्मित होती है तथा इस बारिश के चलते इतना जल भराव हो गया है कि कोटेश्वर धाम एवं गर्भगृह तक जल पहुंचकर प्रकृति द्वारा कोटेश्वर महादेव का जल अभिषेक किया गया। लगातार झमाझम बारिश के चलते नगर परिषद लांजी के वार्ड नंबर 2 के निवासी के घरों में पानी भरने से वहां के रहवासियों में अफरा तफरी का माहौल नजर आया। जल भराव का कारण यह है कि वार्ड नंबर 2 स्थित गौ से लगा ही काशी नाला है तथा जोड़ा तालाब का पानी, जो कि नगर परिषद लांजी द्वारा पानी दूषित होने के कारण जिससे मछलियां मर रही है, जिसे ध्यान रखते हुए तालाब को जेसीबी मशीन द्वारा नाली काटकर फोड़ा गया, जिसका पानी वार्ड नंबर 2 में जमा होने के कारण अत्यधिक जल भराव हो गया तथा पूर्व पंच ऑफिस खान द्वारा वार्डवासियों की मदद की गई तथा वार्ड नंबर 2 का दौरा ऑफिस खान के द्वारा किया गया। लांजी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम सोगलपुर में लगातार बारिश के चलते सोगलपुर में भयावह स्थिति नजर आई, जिसका मुख्य कारण यह है कि पंचायत के सरपंच सचिव के द्वारा इतनी भयावह स्थिति होने के बाद भी ग्रामों का दौरा नहीं किया गया तथा आमजन द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा सरपंच सचिव को फोन कर बुलाया गया एवं उन्हें अवगत करवाया गया कि जल भराव के कारण घरों में पानी घुस चुका है एवं हमारा राशन खराब हो गया है। सरपंच सचिव द्वारा फोन बंद कर अनदेखा कर दिया गया तथा ग्रामीणों में कहा गया कि गांधी चौक में यहां हर साल का नाटक है। चौक में नाली बनाने का गड्ढा मौजूद है, जो कि बारिश के जल से भर जाता है, नजर नहीं आता, जिसके कारण अनेकों बार लोगों दुर्घटना का शिकार हुए हैं। परंतु इस संबंध में भी कई बार सरपंच को अवगत कराया गया, लेकिन सरपंच द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा चौक में भरे जल की निकासी के लिए हम ग्रामीणों द्वारा नाली बनाई गई तथा ग्रामवासियों द्वारा जब MPCG 24 समाचार के रिपोर्टर पवन कश्यप को सूचना दी गई, तब रिपोर्टर ने वहां पहुंचकर सरपंच से चर्चा करनी चाहिए थी। सरपंच घर से बाहर नहीं निकले। इस दौरान भारी बारिश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए एवं ग्रामों में जल भराव को देखते हुए लांजी के समस्त अधिकारी SDM श्री रविंद्र परमार, SDOP श्री दुर्गेश आरमो, तहसीलदार श्री RP मार्को, जनपद CO रंजित तरम जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी लांजी श्री प्रफुल्ल गटरे एवं समस्त कार्यालय के कर्मचारी एवं समस्त पटवारी द्वारा दौरा कर निरीक्षण किया गया एवं फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लांजी से MPCG 24 समाचार के लिए पवन कश्यप की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आकृति बड़े भैया। क्या समस्या है आप लोगों? हमारे घर में पानी भर जाता है, ऐसे हम लोग सरपंच को शिकायत करते हैं, लेकिन वो कुछ समस्या का हल नहीं निकालते। कितने बार आप लोगों को सूचित किया गया? 2-3 बार बोले, कभी वो कुछ ध्यान भी नहीं देते। सरपंच सचिव कोई आगे नहीं, एक भी बार चेक भी नहीं किया। क्या नाम है आपका? आसिफ खान। क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ
मेरी समस्या ये है कि ये तालाब बहुत पहले से तालाब है यहाँ पे, आजू बाजू मकान है जी, मकान है। और क्या होता है, बरसात का पानी हमेशा यहाँ भर जाता है। यहाँ दो तीन जगह से पानी की निकासी की पहले व्यवस्था थी, लेकिन कुछ लोगों ने और यहाँ के कुछ नेताओं ने, कुछ पार्षदों ने, उनको पैसा लेके उस जगह को घर बनाने दे दिए, जिससे वहाँ का पानी निकासी नहीं हो पा रहा है। हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले यहाँ की पानी की निकासी हो, जिनसे ये जो घर के लोग हैं ये सुरक्षित रहें। ये इसी साल का नहीं, विगत कई वर्षों से ये परेशानी यहाँ बनी हुई है। शासन प्रशासन यहाँ पे आता है, बकायदा आश्वासन दे देते हैं, उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं होती। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 2, रेस्ट हाउस के पीछे। पार्षद का क्या नाम है? पार्षद का नाम गौरव बैस।